हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन के अंदर। तो काफी दिनों के बाद मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। ये एक वीडियो नहीं है, एक पूरी एक प्लेलिस्ट होने वाली है। एक छोटा मोटा आइडिया आपको लग ही गया होगा, जैसे कि मैंने पिछले साल आपके लिए रिएक्ट के ऊपर जो लेटेस्ट सीरीज थी आपकी, लेटेस्ट रिएक्ट था आपका, एक सीरीज बनाई थी बेसिक टू एडवांस। वहां पर मैंने सारी चीजें कवर करी थी, उसके साथ में मैंने प्रोजेक्ट्स भी दिए हैं जो कि आ रहे हैं धीरे धीरे, उनको भी मैं आपको अपलोड करते जाऊंगा वन बाय वन करके। बट इस सीरीज के अंदर हम क्या करेंगे, जितने भी रिएक्ट से रिलेटेड इंटरव्यू हैं आपके प्रैक्टिकल के, ओके, और थ्योरी वाले, वो हम सब कवर करेंगे यहाँ पे। तो आज की जो वीडियो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, तो पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है बड़ी एमएनसीज में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि इसी के अंदर वो ये टेस्ट कर लेते हैं आपसे कि एचटीएमएल, सीएसएस और जेएस आपको कितने अच्छे से आता है, ओके। तो इसको, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिएगा, जब भी आपका प्रैक्टिकल इंटरव्यू होगा तो क्या पता ये क्वेश्चन आपके लिए वहां पे अवेलेबल हो। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन है वो। तो जैसे कि मेरी सेकंड स्क्रीन आप सबको विजिबल हो रही है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, अगर मैं रिफ्रेश करूं, देखिए जब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ट्रैफिक लाइट बनाने का आपको एक, इट मींस कि क्वेश्चन दिया जाएगा, वो एक लॉजिक बोलेंगे आपसे कि एक ट्रैफिक लाइट है रेड येलो ग्रीन, जिसके अंदर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे लॉजिक बिल्ड करना है कुछ इस तरीके से कि आपका सबसे पहले रेड होगा, फिर येलो होगा, फिर ग्रीन होगा, ओके। एक बार मैं रिफ्रेश करूं अगर, तो रिफ्रेश करके देखिए, सबसे पहले मैंने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रेड रख रखा है, देन कुछ सेकंड्स के बाद यहाँ पे आपको येलो दिख रहा होगा, ओके। कुछ सेकंड्स के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि ग्रीन आपका यहाँ पे हो जाएगा, एंड यही चीज आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद वापिस से ये आपका येलो की तरफ जाएगा, इट मीन्स कि रिवर्स कराया हमने इसे, एंड देन यहाँ पे आपका ये रेड की तरफ जाएगा। तो इस लॉजिक को बिल्ड करना है आपको, और इस डिजाइन को बिल्ड करना है, तो कैसे कर सकते हैं हम, ये सारी की सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। ये टास्क है आपका रिएक्ट इंटरव्यू से रिलेटेड, ओके। और आपको कोई इंटरव्यू का आइडिया है या आपने पहले दिए हैं और आपको कोई चैलेंज लगा है वहां पे कोई क्वेश्चन, तो वो आप क्वेश्चन मेरे को कमेंट करके बताइए, मैं उस क्वेश्चन को यहाँ पे इस सीरीज के अंदर कवर करने का पूरा कोशिश करूंगा, ओके। तो चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं सबसे पहले, और सेटअप करना है हमें, पहले हमारे यहाँ पे सेटअप की फाइल पे आते हैं, फ्रेश तरीके से रखी हुई है सारी चीजें। तो मैं यहाँ पे सीएसएस हटा देता हूँ, सीएसएस अभी नहीं चाहिए हमें। तो मैं सीएसएस वाली चीज के ऊपर मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि सीएसएस में हम इतना ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये सारी चीजें कवर कर रखी हैं, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको। इंडेक्स वाले से देखिए मैंने चीजें हटा ली हैं, और इसके बाद में यहां से भी इसे हटा लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिससे कि देख सके, और यहाँ पे वापस चलेंगे तो देखिए एम्प्टी, ओके। तो अब हमें करना क्या होगा, देखिए वन बाय वन चलेंगे चीजें करने के लिए, तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा चीजें बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे नए लोग भी होंगे हमारे चैनल पे। तो कोड फॉर एजुकेशन के चैनल पे आना है आपको, मैंने बहुत सारी वीडियोज बना रखी है, ये प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आप आएंगे। तो जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे अभी एक अब्रॉड में जो यूके बेस्ड कंपनी थी, मैंने कैसे क्रैक करी, कितना पैकेज था, वो सारी चीजें मैंने यहाँ शेयर करी हैं। रोड मैप से रिलेटेड है जो भी आपको चाहिए डिटेल में फ्री रिसोर्सेज के साथ, तो वीडियो देखें आप। ये रिडक्स टूल किट लेटेस्ट वीडियो है, ठीक है, रिएक्ट 18 के साथ में कवर करा है, आपका राउटर V6 कवर करा है मैंने, रिएक्ट हुक्स, कंपोनेंट्स, रिएक्ट, रिएक्ट प्रोजेक्ट, सब कुछ गाइज। और जावास्क्रिप्ट के भी इंटरव्यू के क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं वन बाय वन, और एडवांस और बेसिक जावास्क्रिप्ट भी मैंने कवर कर रखी है, बूटस्ट्रैप 5 के प्रोजेक्ट्स, एचटीएमएल, सीएसएस, और बहुत सारी यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट देखने को मिलेंगी। ये सारी की सारी प्लेलिस्ट आपके लिए अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके सारे सोर्स कोड अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, जाएं जाके डाउनलोड कर सकते हैं आप। एंड उसके बाद में अगर चैनल पसंद आए, कंटेंट पसंद आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करें, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड गाइज सारे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मैं वहां पे फ्री में अवेलेबल हूँ, वन वन बाय वन बात कर सकते हैं हम वहां पे। सारे लिंक्स यहाँ पे आपको मिलेंगे इस अबाउट सेक्शन के अंदर, यहाँ पे देखिए। और अगर आप वन टू वन मेरे से बात करना चाहते हैं, तो टॉपमेट पे भी अवेलेबल हूँ मैं, जाके अपना सेशन बुक कर सकते हैं, उसी स्लॉट के अकॉर्डिंग हम बात कर पाएंगे आपसे। फिर इसके बाद आपको चीजें मिलेंगी कैसे, कुछ चीजें गिट पे भी रखी हुई है मैंने, जैसे कि आपको गिट पे दिख रहा होगा ये वाला जो क्वेश्चन, अभी मैं आपको जो समझा रहा हूँ ये आपको इसी रेपो के अंदर मिलेगा। इस रेपो के अंदर जाने के बाद आपको चीजें क्लोन करनी है तो क्लोन करिए, डाउनलोड करनी है तो डाउनलोड। एंड अगर आपको कोई सोर्स कोड यहाँ से नहीं मिल रहा, तो आपको हमारे वेबसाइट पे जाना है codeforeducation.com पे। यहाँ पे आप देखेंगे तो रिएक्ट से रिलेटेड वाली सारी एप्लीकेशन के सोर्स कोड भी यहाँ पे अवेलेबल है, और बाकी अदर जो टेम्पलेट्स मैंने आपको सिखाए हैं वो सारे के सारे यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ओके। इतनी चीज क्लियर है, तो चलिए वापस चलते हैं यहाँ पे अपने टॉपिक पे। तो यहाँ पे हमने क्या करा, सबसे पहले हमें यहाँ पे सेटअप करना है, ठीक है। अब सेटअप भी किस चीज का करना है, यहाँ पे हो गया हमारा H1, सपोज मेरे को ये क्या करना है, यहाँ पे आपका ट्रैफिक लाइट्स, ओके, इतनी चीज मैंने लिखी। यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ चलेंगे तो देखिए, अब आप कहेंगे कि सीएसएस के लिए कैसे करेंगे, तो सीएसएस के लिए मेरे पास में क्या होगा, एक फाइल है मेरे पास में पहले से है,
ठीक है, मैं ज्यादा ब्रीफ में डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जिन लोगों को भी आइडिया है वो समझ जाएंगे कि किस तरीके से मैंने चीजें करी हैं। तो थोड़ा सा समझा देता हूं मैं पहले ही, ये ऐप है ठीक है, ऐप के अंदर मैंने यहाँ पे विड्थ, टेक्स्ट लाइन, सेंटर और मार्जिन आपका 50 पिक्सल का रखा है टॉप से। इसके बाद में यहाँ पे ट्रैफिक लाइट की एक क्लास बना रखी है जिसके अंदर विड्थ, हाइट और मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस, डिस्प्ले फ्लैक्स, अलाइन एटम सेंटर, जब आप लाइट बनाएंगे तो वो सेंटर में हो जाएगा। देन उसके बाद में जो उसके अंदर सर्कल वाली लाइट है उसके लिए मैंने यहाँ पे आपका विड्थ, हाइट, बॉर्डर, रेडियस एंड ओपेसिटी, पहले डल रहेगी वो, जब वो एक्टिव हो जाएगा, मानो कि रेड कलर आ गया, येलो कलर आ गया, ग्रीन आ गया, तब जाके वो आपको विजिबल होगा। किस केस में, जब उस पर एक्टिव क्लास आएगी तो उसकी ओपेसिटी 1 हो जाएगी और बॉक्स शेडो आपको ये लग जाएगा। इतनी सी चीज लिखी है मैंने, इसलिए मैंने आपसे कहा कि मैं डिटेल में यहाँ पे सीएसएस में नहीं जाऊंगा ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सीएसएस का काम नहीं है हमारा। हम यहाँ पे क्या सीख रहे हैं, हम यहाँ पे लॉजिक बिल्ड करना सीख रहे हैं, जो कि इंटरव्यूअर भी आपको सबसे ज्यादा इसी चीज पे जज करेगा ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये चीज बना ली, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब क्या करना है मेरे को, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे इसका हमने यहाँ पे छोटा कर दिया ऐप, तो यहाँ पे आते हैं, देखिए सेंटर में आ चुका है। अब इसके बाद में करना क्या है, अब हमें यहाँ पे चाहिए कंपोनेंट। ओके, सपोज आप यहाँ पे एक कंपोनेंट फाइल बना लेंगे, तो मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे फोल्डर बनाता हूँ सबसे पहले। ओके, कंपोनेंट, ये कंपोनेंट हो गया मेरा। इस कंपोनेंट के साथ में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो डेटा आएगा, जो लूप चलाना है मेरे को, तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आपका कॉन्स्टेंट ठीक है, इसी के अंदर हम फाइल बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक फाइल बना लेता हूँ, कॉन्स्टेंट डॉट जेएस, एक ये रहेगी फाइल ठीक है। और कंपोनेंट के अंदर क्या रहेगी फाइल, कंपोनेंट के अंदर रहेगी आपकी ट्रैफिक लाइट डॉट जेएस, ये रहेगी आपकी वहां पे फाइल। ये दोनों फाइल आप समझ गए। अब यहाँ पे मैं इसमें एस कर देता हूँ ठीक है, क्योंकि आपको जैसे जैसे इसके अंदर कॉन्टेंट बढ़ाना होगा आप बढ़ा सकते हैं, तो ईजी रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे ठीक है। तो ये कंपोनेंट बन गया यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म से, और इसके अंदर अभी क्या डेटा आएगा मैं आगे चल के आपको बताता हूँ ठीक है, किस तरीके से करना है, कैसे ये डिजाइन पूरा बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंपोनेंट को यहाँ पे कॉल करवाना है हमें ठीक है, ट्रैफिक वाले को। ये देखिए ये कॉल हो गया, इसके बाद में करेंगे सेव, चलेंगे वापिस। वापिस आने के बाद में यहाँ पे आपको विजिबल हो भी रहा है। ओके, इतनी चीज डन है ना, इतनी चीज समझ में आ गई आपको। अब इसके बाद में यहाँ पे हमें पहले एक डमी डेटा बनाना है ठीक है। अब डमी डेटा क्यों बनवा रहा हूं मैं आपको, जो कि ये वाली फाइल है आपकी कॉन्स्ट्रेट वाली, इसके अंदर कैसे रखेंगे आप, सबसे पहले आपको एक्सपोर्ट करना है। ओके, कॉन्स्ट डिक्लेयर करेंगे आप, यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, लाइट ड्यूरेशन ठीक है, जो वो ड्यूरेशन है ना उसके लिए हमें डेटा लगेगा, और वो डेटा हम यहाँ से पिक करेंगे। अब मैंने इसे अलग से इसलिए रखा है कि आप कितनी बार भी, कितने भी आप चाहें यहाँ पे चीजें डिक्लेयर कर सकते हैं, अनलिमिटेड चीज, और उसको अपनी उस फाइल के ऊपर जो कंपोनेंट है वहां पे आप उसको रख सकते हैं ठीक है। इस तरीके से आप दिखाएंगे अगर इंटरव्यू के अंदर, तो वो उन्हें ये चीज का आइडिया लग जाएगा कि आपको ऑप्टिमाइज करने का आइडिया भी है ठीक है। इसीलिए मैं आपको कुछ इस तरीके से ये एग्जाम्पल करके दिखा रहा हूँ, बाकी कहीं और आप देखेंगे तो और अलग तरीके से एग्जाम्पल मिलेगा देखने को आपको ठीक है। अब इसके बाद में ये हो गया, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं ले लूंगा नाम जो भी होगा, रेड होगा मानो, येलो होगा हमारा यहाँ पे ठीक है, ये देखिए ग्रीन होगा, ये हो गया हमारा क्या, ये नेम हो गया, जो भी वहां पे हमारे पास में लाइट्स है ना उससे रिलेटेड यहाँ पे हम चीजें कर रहे हैं। अब क्या करना है हमें, ये तो हो गया हमारा क्या, जिससे हम यहाँ पे आपका ड्यूरेशन पास करेंगे या फिर जो कलर होगा लाइट का वो पास करेंगे। इसके बाद में यहाँ चलते हैं, यहाँ पे आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले चाहिए होगा, क्योंकि स्टेट मैनेजमेंट करेंगे हम यहाँ पे, स्टेट के थ्रू ही हमें रखेंगे, और यूज इफेक्ट का यूज करेंगे यहाँ पे, यूज इफेक्ट ले लेते हैं पहले एंड स्टेट ले लेते हैं, ये दो चीज तो हम यहाँ पे करने वाले हैं यूज बहुत अच्छे तरीके से। तो सपोज मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट ले लिया एक, इस कॉन्स्ट में मैं क्या करूंगा, आपका एक्टिव लाइट कर लूंगा पहला, एंड देन सेट एक्टिव लाइट हो जाएगा आपका, और इसके अंदर हमारा होगा यूज स्टेट, और इसमें बाय डिफॉल्ट हम क्या करेंगे, रेड रख लेंगे। ओके, पहली चीज डन, एंड देन सेकंड, सेकंड में हम क्या करेंगे, आपका यहाँ पे नेक्स्ट लाइट आएगा। अब ये नेक्स्ट लाइट क्यों, क्योंकि आपको पता है कि नेक्स्ट लाइट हमें कौन सी चाहिए, ऑरेंज या येलो जो भी आप चाहें बोल सकते हो उसे, देन ग्रीन चाहिए, एंड देन उसके बाद में आपका वापस रिवर्स होना चाहिए, उस केस के लिए हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी आप सेकेंड लाइट रखेंगे वो आ जाएगा, देखिए येलो। ओके, ये दो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिए। अब इसके बाद में क्या, इसके बाद में कैसे करेंगे आप, अब इससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या बनेंगे, बनाएंगे अब एक डिव लेंगे ठीक है, एक क्लास हो गई,
इस क्लास पे क्या होगा हमारा, जो क्लास मैंने दिखाई थी ना आपको, ट्रैफिक लाइट करके, ओके लाइट ये रखेंगे पहली चीज। थोड़ा सा इसको और नीचे कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं बंद, अब इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि और कोई हमें यहाँ पे बनाना भी नहीं है। तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले मेरे को ये फाइल चाहिए। इस फाइल में जो भी मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट करे हैं दोनों फंक्शन, ये मेरे को कॉल करवाने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इम्पोर्ट लेते हैं, ठीक है। इम्पोर्ट के बाद में यहाँ पे लाइट, ये देखिए पहला आ गया आपका यहाँ पे। सेकंड यहाँ पे क्या था आपका, सेकंड था आपका यहाँ पे ड्यूरेशन, इसको भी ले लेंगे। ये देखिए ड्यूरेशन, दोनों चीज आ गई मेरे पास में। अब दोनों चीज आने के बाद में, दोनों चीज आने के बाद में आप क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ हम चलाएंगे लूप। किसका लूप चलाएंगे, कलर वाले का। कौन कौन से कलर है हमारे पास में, उसके लिए मैपिंग करेंगे हम यहाँ पे। तो मैपिंग में सबसे पहले आपका कलर हो जाएगा, ठीक है। इस कलर के बाद में यहाँ पे क्या करेंगे, हमें उसके अकॉर्डिंग ही डिव चाहिए। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्लास नेम रख लेंगे, ओके। क्लास नेम से पहले हम क्या करते हैं, की रख लेते हैं, ठीक है। की में फॉर्मेट कर लेंगे अभी, कोई इशू नहीं है, क्योंकि एक हमने यहाँ पे पैरामीटर रखा है की कलर का, वो हम यहाँ पे पास कर रहे हैं। देन इसके बाद में नेम ले लेते हैं, ठीक है। नेम में हम क्या कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे पहले आपका, ठीक है, आपका टेम्पलेट का साइन, ठीक है। और टेम्पलेट के साइन के बाद में एक क्लास होगी आपकी लाइट नाम से, पहली चीज हो गई। अब ये सारी चीजें आ कहाँ से रही है ये समझिए। सबसे पहले मैंने ये क्लास ली जिसकी वजह से ये डिव बन जाएगा, देन ये लाइट वाली क्लास ले रहा हूँ जिसकी वजह से ये लाइट बन जाएगी आपकी, जो पर्टिकुलर ये डिव होने वाला है, ओके। और सेकंड अब क्या करोगे, यहाँ पे एक कंडीशन बनाओगे, यहाँ पे कुछ इस तरीके से डॉलर का साइन लोगे, एक्टिव लाइट इज इक्वल टू कलर, ठीक है, जो भी होगा कलर उसके हिसाब से यहाँ पे आपका एक्टिव क्लास अपेंड हो जानी चाहिए, अदरवाइज नहीं तो खाली रहनी चाहिए, ठीक है। इतनी चीज मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी। इसके बाद में अब क्या, इसके बाद में यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको फॉर्मेट कर देता हूँ यहाँ पे, ये देखिए फॉर्मेट हो गया। अब समझ में आ रहा होगा, जो चीजें अभी रह रही हैं उसको कर लेंगे यूज। अब समझिए हो क्या रहा है, सबसे पहले लाइट कलर्स के अंदर क्या है हमारे पास में, लाइट कलर्स के अंदर है हमारे पास में रेड येलो ग्रीन, ये आपके नाम आ रहे हैं मेरे पास में। और मैंने बाय डिफॉल्ट क्या बताया यहाँ पे इसे, कि ये रेड पे होना चाहिए बाय डिफॉल्ट। तो यहां से मैंने एक्टिव लाइट के अंदर क्या देखा, कि एक्टिव लाइट जो भी है इज इक्वल टू कलर के हिसाब से, जो भी यहाँ पे हमें पैरामीटर कलर के अंदर मिल रहा है उसके हिसाब से होगा, तो वहां पे एक्टिव क्लास को अपेंड कर दे, वरना वो एम्प्टी छोड़ दे उसको। उसके बाद में ऐसा होने पे होगा क्या, जब एक्टिव क्लास उसे मिलेगी तो ओपेसिटी वन हो जाएगी और बॉर्डर यहाँ पे ये चीज का आ जाएगा। अगर मैं इसका आपको अब आउटपुट दिखाऊं ब्राउजर पे चलने के बाद, तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे फील हो रहा है, ठीक है। इट मीन्स कि दिख भी रहा है आपको। अब क्या करना है नेक्स्ट, आपको एक लॉजिक तो बन गया आपका। सेकंड, अब आप देखेंगे यहाँ कलर नहीं आ रहा, कलर कैसे आएगा आपका, तो वापस चलेंगे। एक और चीज आपको यहाँ पे अपेंड करनी पड़ेगी, डॉलर का साइन लेंगे आप यहाँ पे, डॉलर, एंड देन यहाँ पे आपको कलर लिखना होगा। अब ये कलर कहाँ से आएगा, कलर आ रहा है आपको यहाँ से रेड येलो ग्रीन, और उसी के हिसाब से सीएसएस लिखी गई है यहाँ पे आपके सामने, देखिए रेड येलो ग्रीन, ओके। अब समझ रहे हैं, तो देखिए कितना इजी है, इसीलिए मैंने सीएसएस के ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करा। लॉजिकल चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि जिससे आप एक्सप्लेन कर सकें इंटरव्यूअर को, ओके। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए अभी हमारा रेड एक्टिव है, दैट्स व्हाई उसकी ओपेसिटी ज्यादा है, बॉक्स शेडो जहाँ पे आपको दिख रहा होगा, बाकी दोनों आपको यहाँ पे ओपेसिटी डल दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लियर है आपके सामने कि येलो और ग्रीन किस तरीके से दिख रहे हैं और किस तरीके से लाइट बनानी है आपको। तो ये चीज तो आपकी डन हो गई कि आपने ये बना लिया आपने। अब इसके बाद में लॉजिक कैसे बिल्ड करेंगे, लॉजिक बिल्ड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम चलते हैं अपनी फाइल पे। फाइल पे आने के बाद में यहाँ पे करना क्या होगा, हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं सबसे पहले यूज इफेक्ट को, ठीक है। यूज इफेक्ट को यूज करेंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ये देखिए, ओके। यहाँ पे क्या पास करना है भी देखते हैं आगे चल के, बट पहले यहाँ पे हम कॉन्स्ट डिक्लेयर करेंगे। सबसे पहले कॉन्स्ट क्यों, टाइमर होगा हमारे पास में। हम देखिए अब लोग कहेंगे कि यहाँ पे हम इसको सेट टाइम आउट से भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे सेट इंटरवल से करके दिखाता हूँ आपको कि सेट इंटरवल से कैसे होगा। और अगर आप चाहें तो अपने अलग मेथड से अलग फंक्शन से आप बना सकते हैं इस चीज को, बट मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसको करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे ये मैंने ले लिया। अब इसके बाद में मैं यहाँ पे करूंगा क्या, टाइमर किस तरीके से यूज करेंगे हम करेंगे स्विच केस के साथ में। स्विच केस लेंगे हम सबसे पहले, तो स्विच केस में हमारे पास में क्या रहेगा, जो एक्टिव लाइट है वो रहेगी पहले सबसे पहले, एंड देन इसके बाद में कंडीशन केस। पहला केस क्या होगा आपका, यहाँ पे ग्रीन है, जो सेकंड स्टेप है ना वो मेंशन करेंगे हम यहाँ पे ग्रीन, ओके। अब ग्रीन के बाद में आप देखेंगे, ओके, कॉलन का साइन नहीं आएगा। देन इसके बाद में यहाँ पे आपका सेट टाइम आउट, अब लेंगे यहाँ पे फंक्शन ये सेट टाइम आउट का,
एंड देन इसके बाद में आपका एरो फंक्शन। ओके, इस एरो फंक्शन में हम करेंगे क्या, एक्चुअल जो आपकी एक्टिव लाइट करनी है वो सेकंड क्या होनी चाहिए आपकी, येलो होनी चाहिए आपकी, ठीक है। मींस जो ग्रीन का केस होगा ना, जब ग्रीन का केस होगा तो उस टाइम पे आपकी येलो हो जानी चाहिए लाइट, और जो नेक्स्ट होनी चाहिए लाइट आपकी उसके बाद में, ये सीक्वेंस रिवर्स वाले का बता रहा हूं मैं आपको पहले, ठीक है। रिवर्स वाले में रेड हो जानी चाहिए, ये ग्रीन का केस है। अब ग्रीन के केस के बाद में फिर ये आपका क्या हो जाना चाहिए, ब्रेक हो जाना चाहिए, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है, मैं थोड़ा सा फॉर्मेट कर देता हूं कि जिससे समझ में आए, इतनी चीज डन। अब इसके बाद में अब क्या करना है आपको, नेक्स्ट नेक्स्ट के लिए आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, केस केस नंबर टू, ठीक है। सेकंड में आपके पास में क्या आ रहा है, येलो होगा, सपोज येलो मिल रहा है आपको, देन कॉलन का साइन, सेट टाइम आउट, ओके। सेम चीज यहां पे एरो फंक्शन, इस एरो फंक्शन के अंदर आप क्या करेंगे, एक्टिव कलर के अंदर यहां पे आप क्या पास करेंगे, नेक्स्ट लाइट। अब ये नेक्स्ट लाइट कहां से आएगा, नेक्स्ट लाइट यहां से आएगा, येलो तो बाय डिफॉल्ट है इसके पास में, ओके और यहां से हम करवा भी रहे हैं, अगर ग्रीन का केस मिलता है उसे तो यहां पे वो एक्टिव के अंदर क्या सेट कर देना चाहिए, रेड को हटा के यहां पे येलो हो जाना चाहिए, और जो नेक्स्ट स्लाइड है, जो नेक्स्ट वाली लाइट आने वाली है उसके अंदर येलो को हटा के क्या कर देना चाहिए, रेड हो जाना चाहिए। ये केस समझ गए आप पहले, ये दोनों सिनेरियोस डन। देन इसके बाद में यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा उसके केस के बाद में। देन इसके बाद में आपको क्या करना है अब नेक्स्ट, तो यहाँ पे आप लेंगे रेड, ठीक है, ये है रेड वाला सिनेरियो। सेट टाइम आउट आएगा आपका यहाँ पे वापस से, सेम एरो फंक्शन, ठीक है। इस एरो फंक्शन के अंदर आप क्या करेंगे, सेट एक्टिव लाइट जो है, ओके, वो क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पे येलो, क्योंकि रेड के बाद क्या आएगा, येलो, येलो के बाद आएगा ग्रीन, ओके, ये डन। देन इसके बाद में जो नेक्स्ट आपकी लाइट होगी वो कौन सी होगी, जब अगर आपका केस इट मींस की कंडीशन रेड हो तो उस केस में होगा आपका येलो, एंड देन उसके बाद में नेक्स्ट आएगी उसके बाद में येलो के बाद में ग्रीन, तो वही चीज मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, देखिए, ठीक है। देन इसके बाद में ये भी आपका ब्रेक हो जाएगी कंडीशन चलने के बाद में, और डिफॉल्ट तो आपको पता है डिफॉल्ट होता है इसके अंदर, ठीक है, डिफॉल्ट लेते हैं, देन इसको भी कर देते हैं यहाँ पे ब्रेक। इतनी चीज डन, यहाँ पे इसको करते हैं फॉर्मेट, और फॉर्मेट करने के बाद में अब नीचे यहाँ पे कुछ पैरामीटर भी तो पास करने होंगे कि एक्टिव चलेगा कैसे, क्यों, क्योंकि हमने सेट इंटरवल को यूज करा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे लाइट ड्यूरेशन। अब ये ड्यूरेशन मैं कहां से पास कर रहा हूँ, ड्यूरेशन का मैं दिखाता हूं आपको, जो अभी हमने बनाया था ना उसी में से हम पास कर रहे हैं फंक्शन को, ये फंक्शन में से ये हम इसको पिक कर रहे हैं, यहाँ पे हमने रेड येलो ग्रीन रखा हुआ है की वैल्यू के पेयर में, ओके, एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम जो एक्टिव लाइट है ना, मानो कि रेड है तो रेड, ग्रीन है तो ग्रीन, येलो है तो येलो, वो चीज इसको मिल जाएगी, उसके हिसाब से यहाँ पे ड्यूरेशन सेट हो जाएगा आपका, जो भी ड्यूरेशन हमने यहाँ पे इस फाइल के अंदर दे रखा है। इसके बाद में नेक्स्ट, ये तो एक हो गई पहले वाले की, इसके बाद में कुछ और भी तो करना होगा, जब ये चल जाएगा आपका उसके बाद में आप करेंगे कैसे, देन इसके बाद में जब ये चल जाएगा तो रिटर्न करवाना होगा आपको, क्या फंक्शन क्लियर करवाने का, जब कभी भी आप सेट इंटरवल या सेट टाइम आउट यूज करते हैं तो उसके बाद में आपको ये यूज करना पड़ता है, ठीक है, अलग अलग कंडीशन के साथ में। तो यहाँ पे हमने क्या लिया था, ऊपर टाइमर लिया था, जो मेरा कॉन्स्ट का नाम था वो टाइमर था, ओके, ये यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा होगा, ये मैंने यहाँ पे पास कर दिया। अब इसके बाद में नेक्स्ट, क्योंकि यूज इफेक्ट यूज करा है हमने, अब ये यूज इफेक्ट हर बार कॉल होना चाहिए या किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन पे होना चाहिए, कंडीशन पे होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जब कभी भी जो लाइट है, ठीक है, वो चेंज होगी, पहला कॉमा लाइट चेंज होने पे और जो नेक्स्ट लाइट है उसके होने पे, तभी आपका यूज इफेक्ट वर्क करना चाहिए। इतनी चीज हमने लिख दी, देखिए मैं थोड़ा सा इसको नीचे करता हूं, वापस एक बार समझते हैं फिर आउटपुट को देखते हैं क्लियर से। सबसे पहले एक यूज इफेक्ट लिया मैंने, यूज इफेक्ट के बाद में एक कॉन्स्ट को डिक्लेयर करा मैंने, जिसके अंदर एक फंक्शन लिखा गया है। फंक्शन कैसे, सेट इंटरवल के अंदर हमने क्या करा, स्विच केस लिखा। स्विच केस में सबसे पहले आपको क्या मिला, एक्टिव लाइट क्या मिली, रेड, ओके, अगर रेड है तो वहां पे वो सबसे पहले रेड वाले केस के अंदर जाएगा। देखिए यहाँ पे ग्रीन है तो ग्रीन में तो जाएगा नहीं, वो येलो है तो येलो में तो जाएगा नहीं, वो रेड वाले पे आ जाएगा। रेड वाले पे आने पे उसे पता चलेगा कि सेट टाइम आउट लगा हुआ है यहाँ फंक्शन, उसके अंदर आपको नेक्स्ट क्या करना है, आपको येलो करना है, एक्टिव लाइट येलो कर देनी है उसके बाद में, ठीक है। देन उसके बाद में नेक्स्ट वाले पे क्या कर देना है, उसको ग्रीन कर देना है, ठीक है, आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे येलो आ जाएगा, नेक्स्ट वाले पे ग्रीन आ जाएगा, डन। तो उसके बाद में जब ये चीजें नीचे जाएंगी,
नीचे यहां पे आएगी, तो यहां पे इसको क्या मिलेगा, इसको मिलेगा कलर आपका सबसे पहले वहां पे चेंज हो गया, येलो हो गया, यहाँ पे आपकी कंडीशन चेंज हो गई और यहाँ पे आपका येलो आ जाएगा, तो उसके हिसाब से आपका अपेंड करेगा, तो कलर चेंज होता रहेगा। अब ये ड्यूरेशन जो पास कर रखा है ये इसलिए पास करा है क्योंकि यहाँ पे हमने 5000 पास कर रखा है जो कि आपका 5 सेकंड होता है, ठीक है, ये चीज आप समझ गए। तो यही है कंडीशन स्विच केस के साथ में। अगर इतनी चीज को मैं करके यहाँ पे आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूं एक बार मैं, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले रेड है आपके पास में जो कि एक्टिव है अभी, देन इसके बाद में ये आपका येलो पे स्विच होगा, येलो पे देखिए येलो एक्टिव है तो आपका रेड चला गया, अब देखिए ग्रीन पे चला गया तो आपके दोनों ऊपर के इनएक्टिव हो जाएंगे आपके। अब वापस से जब रिवर्स हुआ ये, तो रिवर्स के केस में देखिए यहाँ पे क्या हुआ, येलो आ गया, येलो के बाद में यहाँ पे रेड पे आ गया। तो ये है आपका इंटरव्यू का क्वेश्चन गाइस, ओके, ये उम्मीद करता हूँ कि चीजें समझ में आई होंगी इस केस के अंदर कि किस तरीके से स्विच केस मैंने यहाँ पे यूज करा। आप चाहे तो इसे कंडीशन बना सकते हैं अलग से, ठीक है, अलग तरीके से भी कर सकते हैं, अलग मेथड्स भी होते हैं हर किसी के, हर किसी का करने का तरीका अलग है। मैंने सिंपल केस रखा है कि जिससे कि आप याद कर सके और ये सारी चीजें आप परफॉर्म कर सके अपने इंटरव्यू के अंदर। और ये सोर्स कोड कहाँ से मिलेगा आप समझ गए, वहां से आपको डाउनलोड करना है गिटहब से। और अगर और भी कोई वीडियो आपको इसी से रिलेटेड चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, एंड आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में गाइस, जब के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।